सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माडिक। बहुत सारे लोगों को गर्मी बढ़ना यानी कि शरीर की गर्मी, हीट बढ़ना, इसकी तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग हमारे ओपीडी में आकर यही कहते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर हमारे शरीर की गर्मी बहुत ही बढ़ चुकी है, हीट बहुत ही बढ़ी हुई है, वो जल्दी से कम कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि शरीर की गर्मी यानी हीट बढ़ना, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, उनके रोकने के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं, और आयुर्वेदिक उपचार, गर्मी कम करने के आयुर्वेदिक उपचार भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम हीट बढ़ने के लक्षण देखेंगे। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में हीट बढ़ी हुई है या नहीं? पहले तो उनके शरीर में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। उनके शरीर उन पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ज़्यादा होता है। उनको शरीर में बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। जब नॉर्मल लोगों को ठंड लग रही होती है तब वो पेशेंट फैन लगाकर बैठ जाते हैं। जब वो पेशेंट को कुर्सी पर बैठते हैं तो वो कुर्सी भी गर्म हो जाती है। मुँह के छाले बार बार आते हैं। कुछ लोगों को पेशाब के समय जलन होती है। हाथ पैरों में पसीना आता है। हाथ पैरों में भी झुंझुनाहट सी, टिंगलिंग, नमनेस यानी सुन्न होना, ये भी इसके लक्षण है। अब हम इसके घरेलू उपाय देखेंगे, गर्मी कम करने के घरेलू उपाय। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं गर्मी कम करने के, लेकिन मैं सिर्फ चंद और असरदार कारगर ही उपाय बताऊंगा। पहला उपाय है रागी का सूप। ये कैसे बनाते हैं? एक लीटर पानी लीजिए। एक लीटर पानी में चार बड़े चम्मच रागी का पाउडर, रागी का आटा जो है वो मिला लीजिए। उसमें चार पंखुड़ियाँ प्याज की डालिए, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक चुटकी भर नमक। उसे 15 मिनट तक उबाल लीजिए। उबाल लेने के बाद ठंडा कर आप पी सकते हैं, या फिर रागी का सूप गरम गरम पीजिए और आप एक साथ भी पी सकते हैं, या फिर दिन में थोड़ा थोड़ा भी पी सकते हैं। 2-3 दिन के बाद हर रोज आपको ये करना है। दूसरा क्या है कि आंवला जूस। आंवला जूस जो होता है वो पित्तनाशक होता है, उससे शरीर की गर्मी कम होती है। वो रोज गिलास गिलास भरकर आप आंवला जूस पी सकते हैं। तीसरा जो एक ही दुर्वा मराठी में बोलते हैं उसे, वो एक हरी घास होती है, पवित्र हरी घास होती है। वो हरी घास आप खेतों से लाकर उसको कूट दीजिए, उसका रस निकालिए। जब एक चम्मच रस हो जाए तो उसे ठंडे दूध में मिलाकर रोज सुबह पीजिए। ऐसा आपको रोज खाली पेट करना है। ऐसा लगातार 3 महीने करने तक आपके शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। उसके बाद काली किशमिश जो होते हैं, काली किशमिश 8-10 जो काली किशमिश होते हैं वो सोते समय रोज रात को चबाकर खाने से भी हीट कम हो जाती है। ठंडी छाछ या फिर ठंडा दूध जो होता है बहुत ही हीट कम करने के लिए कारगर होता है। रोज सुबह अगर ठंडा दूध और ठंडी छाछ जो है वो आप खाली पेट पिएंगे तो उससे गर्मी भी कम हो सकती है। उसके बाद जो है कि सौंफ, एक चम्मच सौंफ लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए। सौंफ पानी में भिगो कर रखिए रात भर, और दूसरी सुबह जो सिर्फ पानी निकलता है उसका, सौंफ नहीं, सौंफ का पानी है जो, वो आपको खाली पेट खाना है, रोज सुबह पीना है। इन उपायों से आपकी गर्मी कम हो जाएगी। लेकिन जब समर सीजन आता है तब हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उन पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उन गर्मी के मौसम में भी तरबूज, खरबूज और खीरा जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। उससे आपको समर सीजन में होने वाली तकलीफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अब हम आयुर्वेदिक औषधि देखेंगे, हीट कम करने की आयुर्वेदिक औषधि। पहली है प्रवाल पंचामृत। ये एक पाउडर होती है। पाउडर इसका प्रमाण क्या है कि आधा छोटा चम्मच से एक छोटा चम्मच, शुरुआत जो है आधा छोटा चम्मच से करनी है। एक चम्मच छोटा चम्मच देसी घी में उसको मिलाकर अच्छी तरह से घोलकर रोज सुबह चाट लेनी है। ऐसा आपको 3 महीने तक करना है। दूसरा है शौक्तिक भस्म, एक पाउडर है। ये भी पाउडर एक चम्मच, शुरुआत एक छोटे चम्मच से करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 छोटे चम्मच लेने हैं। ये भी आपको देसी घी में मिलाकर, एक चम्मच देसी घी में मिलाकर अच्छी तरह से घोलकर
रोज सुबह चाट लेनी है। दोनों में से आपको एक औषधि करनी है। एक तो आप शुरुआत में प्रवाल प्रंचा पंचामृत ही ट्राई कीजिए, वो अच्छा है, या फिर जो मैंने शोक्तिक भस्म बताया है वो ट्राई कीजिए। दोनों मिलाकर ट्राई मत कीजिए। ऐसा आप अगर आयुर्वेदिक औषधि 3 महीने तक लगातार लेंगे तो आपकी हिट 100% कम हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको देसी उपाय, घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक औषधि भी बताई शरीर की गर्मी हीट कम करने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।